समाज में बदलाव और समाज को बदलने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको बता दूं, हसनपुरा प्रखंड और हसनपुरा नगर पंचायत में पहली बार कैरियर मेकर एकेडमी का शुभारंभ हुआ है और यहां पर जनरल कंपटीशन बच्चों को कराया जाएगा। और इस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चे सिवान, छपरा, पटना के लिए जाते थे, लेकिन हसनपुरा प्रखंड में यह पहली बार कैरियर मेकर एकेडमी है जो कि यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा। इसका शुभारंभ हुआ है और यह हसनपुरा नगर पंचायत के जो शांति निवास मिष्ठान भंडार है उसे जस्ट करमासी वाले रोड में ये स्थित है। यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर संचालक भी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या चीज़ की तैयारियाँ यहाँ पर कराई जाएगी। और हमारे साथ इतने मुख्य अतिथि जो हैं वो लोग भी मौजूद हैं, जो कि पकड़ी पंचायत के मुखिया प्रभुनाथ यादव, पूर्व जिला पार्षद महेश यादव और ब्रिज लैब के संचालक भी मौजूद हैं, प्रिंस मार्ट के संचालक अनिल गुप्ता जी भी मौजूद हैं और भी सारे कुछ यहाँ के लोकल टीचर भी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आइए मिलकर बात करते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और यहाँ पर किस किस चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। संचालक से बात करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के शुभकामनाओं के साथ हसनपुरा नगर पंचायत के इस सुदूर देहात इलाका में विकास रविकांत सर, विकास सर और दीपक सर के माध्यम से करियर मार्क्स एकेडमी का इस प्रतियोगिता तैयारी के लिए जो एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, इस संस्था के जितने भी संचालक महोदय हैं हम उनको अपने तरफ से शुभकामना देना चाहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों के माध्यम से हम लोग के इलाका में जो लड़का तैयारी करेगा, इसमें यहाँ से जो तैयारी करेगा वो आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस इलाके में इतना बढ़िया स्कूल कोचिंग का व्यवस्था हुआ है, जिससे लड़कों को भविष्य संवारने के लिए बहुत बढ़िया यहाँ तैयारी की जाएगी और लड़के अपने भविष्य के लिए कहीं भी प्रतियोगिता में जाकर अपने भाग को आजमाएंगे और नौकरी में सफलता पाएंगे। इसके लिए इस कोचिंग संचालक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएँ हैं। करियर मार्कर एकेडमी के सभी संचालक को शुभकामनाएँ देता हूँ और आने वाले जो भी लड़के इसमें आएंगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए ही इन लोग को प्रयास से अच्छा करेंगे। और मेरे संचालक दीपक जी और सुमन विकास जी के द्वारा बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए पुरस्कार करेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ के जो भी बच्चे थे इस चीज़ की तैयारी के लिए उनको सिवान, छपरा, पटना दूर दूर तक जाना पड़ता था और आज ये जो करियर मेकर एकेडमी खुला है उससे हमारे बच्चों को, खास करके हमारी बच्चियों को बहुत सारा सुविधा मिलेगा यहाँ पे। अब उनको सिवान, छपरा, पटना कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा सुविधा यहाँ हमारे प्रांगण में हसनपुरा में ये सर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बच्चों के भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अनिल कुमार गुप्ता, संचालक प्रिंस मार्ट। कैरियर मेकर्स एकेडमी ये पहली बार हसनपुरा में ये खुल रहा है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की संस्था इस क्षेत्र में कभी नहीं था। विशेष रूप से 12th के बाद के जो भी लड़के थे या फिर बच्चे थी वे लोग अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते थे और मजबूरी में उन लोगों को किसी न किसी कारण पर समाज के कारण वो या तो शादी विवाह हो जाता था और या फिर किसी काम धंधे में चले जाते थे। ये पहली बार एक ऐसा संस्था होगा जो कि उनके सपनों को ये साकार करेगा, इसलिए इस इंस्टीट्यूट का टैगलाइन ही है वेयर योर ड्रीम कम्स ट्रू। इस एकेडमी में 3 टीचर्स हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में क्वालिफाइड हैं और सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र के जो भी 12th के बाद के बच्चे हैं उन सबको बढ़िया से बढ़िया जॉब हासिल करने में ये हम लोग अपना भरपूर प्रयास करते हैं। क्या क्या तैयारियां यहाँ पर कराई जाएगी, किस किस विषय? विशेष रूप से यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे तो जो तैयारी का जो लेवल है वो तो BPSC का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेन रूप से देखा जाए तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSCGD, आर्मी, इन सब चीज़ों का अच्छा खासा यहाँ पर तैयारी किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन का भी आयोजन किया जाएगा, हर एक सप्ताह प्रैक्टिस सेशन का भी आयोजन होगा ताकि अपने
तैयारी को एक धार दे सके और बढ़िया से बढ़िया वो रैंक प्राप्त करके अपना जॉब प्राप्त करे। जैसे आपने बताया कि वेल क्वालिफाइड टीचर हैं यहाँ पर, तो उनका एजुकेशन क्या है, क्या कोई प्रोफेशनल वो प्रोफेसर हैं, डिग्री लेकर आए हुए हैं, उस टाइप के टीचर हैं? हाँ, मैं अगर इस बारे में बात करूँ तो रविकांत सर जो हैं ये खुद ही BPSC में इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, इनके पास काफ़ी अनुभव है। मैंने भी अपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, कुछ कटअप के वजह से कुछ पीछे रह पाया, इसे हतोत्साहित न होते हुए हम लोग सोचें कि अगर हम ना जा सके तो किसी दूसरे को इसके माध्यम से आगे लेकर जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन विकास गुप्ता। जो बच्चे को तैयारी कराया जाएगा वो हाई लेवल की तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। हर एक मंथ में यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा कि जो साप्ताहिक एग्ज़ाम होती है, यानी कि जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा उस सिलेबस का हर एक वीक में एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट सीरीज से उसमें देखा जाएगा कि कौन बच्चा कैसा पढ़ रहा है और यहाँ पे उन लोगों की कमी हो रही है, तो उस कमी को हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे, आज तक इस एरिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि सभी विषय का अलग अलग टीचर नहीं है, अच्छे से तैयारी नहीं कराते हैं। हम खुद मैंने तैयारी करते हैं लेकिन कुछ मार्क्स से छूट जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे का जो लड़के हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन लोगों का भविष्य का अच्छा कामना करते हैं। इसीलिए हम लोग सोचे यहाँ पे आसपास में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो एक इंस्टीट्यूट खोला जाए और उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए कामना किया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविकांत कुमार प्रसाद है। सबसे पहले तो जितने भी अतिथिगण हैं उनको धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। यहाँ पर देखिए पूरे इलाके में आपको यहाँ 11-12 ज़्यादा आपको एकेडमिक स्कूल कॉलेज या ये कोचिंग ही मिलेंगे। यहाँ पहली बार एक नया हो रहा है जो हर एक ये नौकरी की तैयारी के लिए स्पेशल नौकरी, लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं जनरल कंपटीशन, वहीं नौकरी के लिए तैयारी जो यहाँ SSC GD है, रेलवे है, NTPC है, ये सब के लिए तैयारी किया जाता है। जो यहाँ लड़के यहाँ के जो हैं पटना दिल्ली चले जाते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा इस आपके गाँव शहर क्षेत्र में। क्या नाम हुआ आपका? दीपक सर। आप जिस तरीके से यहाँ से कंपटीशन का तैयारी एकेडमी का शुरू किया गया है, करियर मेकर एकेडमी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो करियर मेकर एकेडमी खुला है वो तो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि जो हसनपुरा ले लीजिए या फिर चैनपुर ले लीजिए, पहले यहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं थी। जो बच्चे या बच्चियाँ थी उनको डिफेंस लाइन में जाना था तो कहीं भी कोचिंग की सुविधाएं नहीं थी, तो अभी ये खुला है तो बहुत अच्छा बात है कि मतलब यहाँ पे जो भी गरीब बच्चा है या फिर बच्ची है, जो भी लड़का या लड़की है, वो यहाँ पर आके अपना तैयारी कर सकता है। कोई भी डिफेंस लाइन में जाने बहुत ईजी है, या फिर बिहार पुलिस ले लीजिए, SSC GD ले लीजिए, या फिर रेलवे ले लीजिए। तो मैं ये सर से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं या फिर जो ये कोचिंग खुले हैं बहुत अच्छा मतलब ये कार्य है। और मैं ये नगर पंचायत के जो भी बेबी गुप्ता नाम है ना, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे नज़दीक में ही कोई क्या वो फिजिकल एकेडमी कोई खुलवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो तत्काल में आप या फिर सिवान जाइए तो वहाँ पर फिजिकल एकेडमी मिलेगा, या फिर इधर पटना की तरफ जाइए उधर मिलेगा, लेकिन इधर कहीं ग्रामीण एरिया में नहीं है, तो इधर ज़्यादा बच्चा बच्ची को दिक्कत होता है फिजिकल एकेडमी में भी, लेकिन रिटेन में बहुत ज़्यादा होता है। रिटेन सेल्फ स्टडी करने पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन अगर कोई आपको मार्ग दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, फिर कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, कुछ बताने वाला मिल जाता है, तो आप अच्छा से कोई चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी सर। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी कुशवाहा। ये थे कोचिंग के जो एकेडमी के संचालक और हमारे मुख्य अतिथि जिनसे बातचीत हो रही थी, और यहाँ पर एक छात्र हैं श्वेता गुप्ता, जिनके द्वारा मांग किया गया है यहाँ के चेयरमैन से कि यहाँ पर फिजिकल एकेडमी खुलवाया जाए, जो कि अच्छी पहल है, अच्छा मांग है, और उम्मीद करता हूँ कि वो मांग पूरा भी होगा, श्वेता गुप्ता जो मांग की है। ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहिए, और सभी हसनपुरा प्रखंड के छात्र छात्राओं से निवेदन है कि अगर आप रेलवे SSC GD त्रोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप करियर मेकर एकेडमी में निधड़क एडमिशन करा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। देखते रहे हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस। जय हिंद।